हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पिक्सल लाइव में किसी भी फंड को कैसे ऐड कर सकते हैं। बड़ा दोस्तों कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो वो दिक्कतें कैसे हो रही हैं पहले उसके पहले मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस स्क्रीन शॉट में दोस्तों आपको एक मैसेज दिख रहा है। यह मैसेज काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। इस मैसेज के कारण दोस्तों जब वहाँ पर हम अपना फंड ऐड करने जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर मेरा फंड शो ही नहीं करते, जब वहां पे मुझे दिखेगा ही नहीं तो दोस्तों ऐड कैसे होगा। तो दोस्तों चलिए पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि हमें परेशान कैसे कर रहा है। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने फाइल मैनेजर में, और यहां पर फाइल मैनेजर में आते हैं दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरा यहां पर फंड शो कर रहा है, और यहां पे हम फाइल में भी आके डाउनलोड में हम देखते हैं, डाउनलोड करके रखे हैं, डाउनलोड में भी देखते हैं तो यहां पर भी फाइकॉन फंड शो कर रहा है। बड़ा दोस्तों जब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और चलते हैं पिक्सल लैब में, पिक्सल लैब में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आते हैं, फिर उसके बाद हमें फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे माय फॉन्ट पे आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यही मैसेज जो हमें दिख रहा है, यही मैसेज काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो दोस्तों इससे छुटकारा कैसे पाएंगे, कैसे हम ऐड कर पाएंगे, जब हम ऐड करने जाते हैं यहाँ पे ऊपर आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, जब इस पर हम पहले वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आते हैं डाउनलोड में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर मेरा फाइल मैनेजर में शो कर रहा था फॉन्ट मेरा, बट यहाँ पर शो कर ही नहीं रहा है। तो यही प्रॉब्लम दोस्तों काफ़ी लोगों को आ रही है। तो दोस्तों हम चल के सेकंड वाले में भी चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी हम मैं जब ऊपर यहाँ थ्री डॉट्स लाइन पे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो शो कर रहा है, बट दोस्तों इसको जब हम क्लिक करें दोस्तों ये ऐड नहीं हो रहा है। तो और यहाँ पर हम अपने इंटरनल स्टोरेज में आते हैं, यहाँ पर भी हम डाउनलोड में जाके चेक करते हैं, यहाँ पर भी शो कर रहा है, बट दोस्तों इसको जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने आपको हर जगह से ऐड करके दिखाने की कोशिश की है, बट ऐड नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम लगभग काफ़ी लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, तो दोस्तों इसके लिए हमें चलना पड़ेगा फिर से अपने फाइल मैनेजर में। तो हम बैक आ जाते हैं यहाँ से और अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको आना है अपने फाइल में, आप जिस भी फोल्डर में रखे हों उसमें आपको जाना है। तो मेरा दोस्तों डाउनलोड फोल्डर में, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये फैकान फॉन्ट वहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं ऐड हो रहा है दोस्तों, ये जिप जो लिखा आ रहा है इसमें, इसका मतलब है दोस्तों इस जिप को हमें अनजिप करना है, क्योंकि ये दोस्तों एक फोल्डर एक फाइल बना है यहाँ पे। जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको जिप को अनजिप करेंगे नहीं, तब तक वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले अनजिप कर लेते हैं। तो इसको अनजिप करने के लिए दोस्तों हमें इसी पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें थ्री ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला है एक्सट्रैक्ट हियर, दूसरा एक्सट्रैक्ट फाइल टू। दोस्तों हमें पहले ही वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करते ही मेरा फॉन्ट अनजिप हो गया है, फाइल ओपन हो गया है, अब इसको हम वहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और चलते हैं फिर से पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद दोस्तों फिर से हमें एक ही ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ से फॉन्ट पे चलना है, माई फॉन्ट पे आना है, फिर दोस्तों यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट्स लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें हम आ जाते हैं अपने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में, क्योंकि दोस्तों मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगा है, तो मेरा जितना भी डाटा सेव होता है सब मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में ही सेव होता है, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। पर दोस्तों अगर आप मेमोरी कार्ड लगा रहेंगे तो वहाँ पे आपका शो करता रहेगा, आप जिस फाइल में जहाँ पर रखे रहेंगे वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल अभी इसमें आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक फोल्डर दिख रहा है फाइकॉन फॉन्ट, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे दिख रहा है फाइकॉन 4PK4.TTF करके दे रहा है, तो इसी क्लिक करते हैं।
तो क्लिक करते ही तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से यहाँ पे मेरा ऐड हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देना कि आप अपने जिस फोल्डर में रखे हों वहीं पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा और वहाँ से आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यही सेम फैकोन फॉन्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ और यूजफुल हुआ हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही टिप्स हमारे चैनल पे आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।